हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला का एक वस्फ ये भी है कि आप तकरीर में अपने मुखालिफ को चित करने का हुनर रखते हैं और इसी वजह से आपके मुखालिफीन हमेशा शिकवा कुना रहते हैं और कुछ लोग हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला के बारे में बेहुदा बातें करते हैं। उनको देखना चाहिए कि सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान आपने सादात इकराम की कितनी तआज़ीम फरमाई है और हमेशा सादात इकराम की तआज़ीम का दर्स दिया है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो दर्स दिया है उस पर हर तरह से अमल करें और हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला की उन कुर्बानियों को याद रखें जो आपने इस्लाम की आबियारी उसकी नशर व इशाअत में दी है। ये बात याद रखें कि शजर इस्लाम को हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला ने अपना खूने जिगर पिलाया है। उन्हें गालियां देकर उनकी कुर्बानियों को फरामोश ना करें। आप चाहे सियासी मसला हो या समाजी, सब पर सबसे पहले और खुलकर बयान देते हैं। आप हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मुखालिफीन को हिदायत नसीब फरमाए।